अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जर्दा बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए चावल लिए, हमने 1.5 कप चावल लिए हैं, जिसे मैंने 1 घंटा वह भिगो के रख दिया है। अच्छा, ये क्या सेला चावल है? नहीं, नॉर्मल बड़े चावल लिए, यानी कि इसके सेला चावल नहीं, जो सादे बासमती बड़े चावल आते हैं वो। ठीक है, इसका पानी ड्रेन करके। अच्छा, इसको कितनी देर के लिए हमने भिगो के रखा था? 1 घंटे के लिए भिगोया है, मैंने चूल्हे पे पानी रखा है, इसे बॉइल करूंगी इस राइस को। ठीक है, तो राइस का पानी ड्रेन किया, अब मैं इसे बॉइलिंग में डाल रही हूँ। हमने 3 आंच पे इसको बॉइल कर लूंगी, और बॉइल में मैं फुल डन कर लूंगी, बिल्कुल पका दूंगी उसको, कचास नहीं रखूंगी। जैसे बिरयानी में हम लोग रखते हैं ना, एक कनी कचास रखते हैं, इसमें वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाद में चाश में जाके मीठी होगी, और अगर चाश में हम ऐसे ही डाल देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे चावल। इसलिए इसी के अंदर मैं इसको फुल डन करूंगी, और उसके बाद इसको चाश में ऐड करूंगी। अभी जैसे ही इसमें तेज उबाल आएगा, मैं इसको पकने दूंगी और कोशिश करूंगी कि ये पूरा पक जाए राइस, फिर मैं आपको दिखा। चावल बॉईल होने रखे हुए हैं हमने, अब इसमें डालने की चीजें देख लीजिए। ये किशमिश है, ये बादाम और पिस्ते हैं, एक इलायची है छोटी वाली, और ये रोज एसेंस है। और इसके लिए मैं थोड़ी सी चाश बनाऊंगी। देखिए, मैंने 1 कप जितना पानी ले लिया है, देखिए मैं इसमें मैं चीनी डालूंगी। इस 1.5 कप चावल के हिसाब से कितनी मिठास रखनी है इसका अंदाजा आपको होना चाहिए, मुझे है, इसलिए मैं अपने अंदाजे से देखिए इसमें चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, ये चीनी पकेगी तो ये चाश बन जाएगी, जब ये चाश बन जाएगी तो बॉइल किए हुए चावल मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ठीक है, उस स्टेज पे मैं इसमें। अच्छा, ये रोज एसेंस जो है ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, हर जगह मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस चाश में मैं ये जर्दे का रंग भी डाल दूंगी, जिससे ये राइस की शक्ल येलोइश हो जाएगी। ठीक है, अब ये पकाऊंगी, ये पका के बिल्कुल चीनी को मेल्ट करके एकदम इसको और चाश बना के रेडी करती हूँ। ये चावल हमने बॉइल कर लिए, देखिए चावल सारे ड्रेन कर रही है। ठीक है, चावल ड्रेन हो रहे जब तक चाश तैयार हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसको कितनी देर में ये बन जाएगी चाश? 10 मिनट में। 10 मिनट में। अच्छा, अब मैं ये देखी मैंने चूल्हे पे रखी है, इसी में मैंने चावल बॉईल किया था, इसमें मैं अब थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। जैसे चावल को हम फ्राई करते हैं ना, वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर घी डालूंगी, असली घी जो, या कोई सा घी जो आपको चाहिए, इससे थोड़ा सा खुशबू आएगी, खाना टेस्टी होगा। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है, राइट। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी किशमिश, डाल दूंगी इसके अंदर में, एक इलायची मैंने रखी है वो डाल दूंगी, और बादाम पिस्ते डाल दूंगी। इन सबको थोड़ा सा सॉटे करूंगी। ये देखिए, बादाम पिस्ते डाल दिए हैं, थोड़ा सा चला लिया, चाश का चूल्हा बंद कर दिया। ये हमारी चाश जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर राइस डालूंगी। ये राइस है जो हमने ड्रेन कर लिए हैं। अच्छा, ये बॉइल्ड राइस है। हमेशा पूरे फुल डन कर लेना है, बिल्कुल भी आधी कनी और ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि ये इसके ऊपर अब जब चाश डलेगी ना तो ये पकेगा नहीं, अगर आप इसमें कचास रखेंगे तो। ठीक है, इस स्टेज पे ये चाश है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। आज थोड़ी तेज कर दूंगी ताकि ये सब जल्दी जल्दी, पानी भी इसका ड्राई हो जाए और ज्यादा पानी ना रहे। ठीक है, अच्छा, इसको आप कितनी देर के लिए पकाएंगे? बस 10 मिनट दम देंगे, थोड़ा सा तेज आंच कर देती हूँ ताकि इसका वो सब खत्म हो जाए पानी, और इस स्टेज पे थोड़ा सा रोज एसेंस 2 ड्रॉप बस मैंने डाल दिए। ठीक है, और ये आप देखिए, रोज एसेंस फ्लेवर के लिए होता है या स्मेल के लिए होता है? फ्लेवर भी आएगा और एक अच्छी खुशबू भी आएगी। जर्दा तैयार है, जैसे ये ठंडा होगा एकदम सूख जाएगा, और ये इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी है। बादाम पिस्ते वगैरह सब आपको नजर आ रहे हैं, बिरयानी के साथ भी आप खा सकते हैं, और ऐसे भी खाएं तो उसका जायका ही अलग हो जाता है। और
इजी है, बिल्कुल क्विक बन जाता है। ये देखिए बादामी से वगैरह सब सॉफ्ट हो गए इसके अंदर। ये हमारा जर्दा तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा बना था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सब कुछ सीखो।